इरामोड मोड़ से मैं दाहिने आया हूँ। अब यहाँ देखते हैं आगे, छोटा सा यहाँ भी बनता से लिखा हुआ ना फूड। सुबह के 10:15 के करीब हो रहे हैं। मैं नींद से उठा हूँ, बहुत पहले ही उठा हूँ। आज तारीख है 28 अप्रैल, दिन रविवार। बाय द वे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एस सोम। ये एक डेली ब्लॉग टाइप का बन रहा है, क्या करूँ बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह उठते ही उठते क्या हुआ ना कि जब फ्रेशन अप हुआ, फ्रेशन अप होने के बाद भूख लगी, तो मैं तब से सोचे जा रहा हूँ कि भाई मैं क्या खाऊँगा। थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा ही, ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। क्या खाऊँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या खाऊँगा। और इधर फ्रिज में भी कुछ नहीं है कि भाई ब्रेड वगैरह ढंग से हो तो मैं खा पाऊँ। तो वही सोच रहा हूँ क्या करूँ। ये सोचते दिमाग में आया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक दुकान है, वो रोटी बनाता है, रोटी भुजिया वगैरह, आलू भुजिया वगैरह ये सब बनाता है। तो गले की खराश जा ही नहीं रही यार, इतना मैं परेशान हूँ। इतनी गर्मी है, आके 3-4 बार नहा ले रहा हूँ, बाहर से आते ही आते नहा ले रहा हूँ, नहाने के बाद फिर वही जस का तस ठंडा लग जा रहा है, गले की खराश। अभी कंधे में भी दर्द है, उल्टा सीधा पता नहीं कैसे सोया था, मुड़ माड़ के सोया था कंधे में पूरा। मैं ये हाथ जो है ना ये मैं उठा नहीं पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो अभी तो थोड़ा सही है। तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ वो रोटी वगैरह बनाता है, सुबह सुबह बनाता है। यहाँ कोई, मैं यहाँ की हालत में बता दूँ, मैं जहाँ रहता हूँ आसपास में, सुबह नाश्ते में यहाँ पे रोटी कोई नहीं बनाता है, सब पूड़ी बनाएंगे तेल में तल कर। वो तेल एक दिन दो दिन पहले वाला तेल रहता है, उस तेल में तल कर सब पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी और सब्जी। सब्जी सुबह सब एकदम वो मसालेदार, आलू की सब्जी होगी, जो भी होगा सब मसालेदार सब्जी होगी। अब मसालेदार मैं सब्जी खा नहीं सकता, सीधी सी बात है, पूड़ी में खा नहीं सकता सुबह सुबह। ऑपरेशन के बाद से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मेरे पर आ गए हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अभी भी चल रहा है, कुछ महीने और चलेंगे, मतलब 3-4 महीने और रिस्ट्रिक्शन चलेंगे। तो वहाँ पर जाऊँगा मैं, अभी देखता हूँ वहाँ पे वो अगर दुकान खुला है तो मैं वहाँ पे रोटी और भजिया बनाता, आलू भजिया जो होता है ना, हिंदी में भजिया बोलता, आलू को स्लाइस काट कर वो बनाता। वो अगर होगा तो मैं वहाँ पे जाके खाऊँगा, थोड़ा सा पेट पूजा करूँगा फ़िलहाल के लिए, पूजा करके वापस आऊँगा। यार क्या होता है ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। कम बोलते, स्कूल में जैसे बच्चों के साथ बहुत बोलता हूँ, लेकिन घर में कम बोलते हैबिट ये हो जा रहा है कि मतलब जो वर्ड्स मेरे, जो हिंदी के जो वर्ड्स थे, इतने अच्छे वर्ड्स मेरे को सब पता, वो सब मैं भूल जा रहा हूँ। और जब कैमरे के सामने होता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे लगता है यार ये क्या होगा, दिमाग में सोचने लगता है, पूरा दिमाग उस वक्त ब्लैंक हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसिडर कर लेना आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ उस दुकान में अगर मिलता है, नहीं मिलता, अगर किस्मत मेरी ख़राब होगी, मेरी किस्मत तो कभी अच्छी नहीं रही नहीं है, सीधी सी बात है। आप लोग जैसे देख लो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, मैं यूट्यूब स्टूडियो में मैं अक्सर देखता हूँ, जब एनालिसिस करता हूँ देखता हूँ मैक्सिमम परसेंट क्या होता है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो देखते हैं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर लेना और कमेंट ज़रूर लिखो। ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या हालत है, मतलब क्या हालत मीन्स दुकान खुली है या नहीं। ये मेरे पड़ोसी हैं, भाई साहब हैं, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 30 साल एक दूसरे को मतलब जीवन साथी बनकर एक दूसरे रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं अपना देर ये रहे। और आज इसीलिए निमंत्रण, हाँ भाभी कुछ बोल रही है। थैंक यू।
और आज मेरा निमंत्रण भी आज यहाँ पर है। भैया भाभी आज मेरे को खिलाएंगे। अभी निकला हूँ मैं मार्केट में। ये कुछ आगे ये जो सिग्नल देख रहा हूँ यहाँ पे, ये सिग्नल पल्लीश्री मोड़ है। इस मोड़ से दाहिने जाना है। तो इस बीच एक फ़ोन आ गया था नॉर्थ बंगाल ट्रिप के लिए, बोला कि दादा आप जाना चाहते हो तो नॉर्थ बंगाल मेरे यहाँ पे चले आओ, होम स्टे में चले आओ। तो वही बात हो रही थी, देखते हैं कब मौका मिलता है। मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर यहाँ पे मिलता है कि नहीं रोटी वगैरह, तो अच्छी बात है। और मैं आया इधर से हूँ, ये रास्ता देख रहा हूँ, आया इधर से हूँ मैं, जाऊँगा यहाँ। चलो मैं दिखाता हूँ आगे आपको। येरा मोड़, मोड़ से मैं दाहिने आया हूँ। दाहिने आकर सीधे ये जा रहा है आपका लॉर्ड्स मोड़ की तरफ ये रास्ता। बट लॉर्ड्स मोड़ से मैं सीधे ना जाकर यहाँ ये बाएं हाथ को जो रास्ता गया ना, इस रास्ते में जाऊँगा मैं। देख लेता हूँ भाई कोई गाड़ी आकर धक्का उक्का ना मार दे। हाँ, इस रास्ते में जा रहा हूँ, देखूँ किस्मत सही है कि नहीं। ये खुला है क्या? नहीं, ये जो जार रखा हुआ पानी वाला वही वाला दुकान है, बंद है। जो जार वाला दुकान देख रहे हो यहाँ पे, ये यही वाला दुकान है, बंद है। यहाँ एक ढोसे की दुकान है, ये इधर यहाँ पे एक ढोसे की दुकान है, ये भी बंद है। कहानी मैंने बोला था ना पहले ही कि भाई मेरी किस्मत मेरी सही नहीं है। देखो चलो मैं बाएं मुड़ता हूँ, बाएं मुड़ कर देखता हूँ कुछ मिलेगा कि नहीं। यहाँ भी तो उम्मीद ना ही रखूँ तो अच्छा है। नारियल पानी यहाँ बेच रहा है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप आगे जाओगे दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधे जादवपुर रेड भी जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो लॉर्ड्स मोड़ जाता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है ना कि लोग परेशान हैं, दुकान इसलिए खोल नहीं रहे। देखो अब तक दुकानें वगैरह खुल जाती थी, लेकिन यहाँ दुकान एक देखो बंद है। वो होटल जैसे दिखाया मैंने कि वो होटल जो आपने देखा वो बंद था, किस्मत मेरी। अब यहाँ देखते हैं आगे कुछ और मिलेगा कि नहीं। यहाँ एक छोटा सा ढाबा टाइप का है, ढाबे में भी अगर रोटी बनाती है, एक भाभी जी रोटी बनाती है, तो वहाँ भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। चलो चलते हैं। छोटा सा यहाँ भी बनता से लिखा हुआ ना फूड कॉर्नर, देखो रोटी आलू दम एक करी वगैरह, लेकिन सुबह नहीं मिलता है। बात यह कि सुबह नहीं मिलता, अब देखते हैं सुबह क्या किया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सुबह से खाली पेट हूँ, अभी 10:30 हो जा रहा है, खाली पेट हूँ मैं। शुगर एंड स्पाइस का एक शॉप है, आपको दिख रहा होगा ये सामने, शुगर एंड स्पाइस का एक शॉप है। उसमें कुछ खा लूँ क्या? उसके बगल में एक है वो कचौड़ी की दुकान है जो कि मैं खा नहीं सकता। सैंडविच तो मिलेगा शुगर एंड स्पाइस में, सैंडविच मिलेगा। चलो देखते हैं, लेट मी ट्राई इफ माई लक इज ओके। शुगर एंड स्पाइस ये रहा। सैंडविच हबे? हाँ यहाँ पर सैंडविच है, बोल तो रहा है बंदा। कोई एखाने तो नहीं देखी? ओ अच्छा, ये रहा सैंडविच, ये रहा चिकन हॉट डॉग। ये क्या है? चिकन रिजाला। चिली स्प्रिंग। सैंडविच आर की बटर चिकन बर्गर माने दुटो की कॉम्बो पैक है ना कि? ओ अच्छा, सैंडविच 45। बहुत सारे आइटम है यहाँ पे। केक के आइटम इधर ये देखो,
इधर भी है। এর লোকেশনটা কি আছে? বিজয়গড় 4 নম্বর মোড়। সুগার এন্ড স্পাইস বিজয়গড় 4 নম্বর মোড়। নিয়ার চৈতালি ক্লাব। একবার আমি ফির সে আপ লোগো কো বোর্ড দিখা দেতা হুঁ। সুগার এন্ড স্পাইস। ये रहा सामने कचौड़ी वाला, ठीक बगल में ये देखो कचौड़ी वाला है। चलिए चलते हैं, इसी में थोड़ा सा सैंडविच खा लेते हैं और क्या करें। मजबूरी मजबूरी का नाम आगे आप लोग जानते ही हो। एक सैंडविच दे दो मेरे को आप। हाँ हल्का गर्म। ये रहा मैं हाफ पैंट पे ही हूँ मैं आज, और ये स्लीवलेस टी शर्ट। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी, एसी चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए ये सैंडविच दे रहे हैं ये भाई साहब यहाँ पे। काफी नीट एंड क्लीन और अच्छा शॉप है। अच्छा ओवन में वहाँ गर्म कर रहा है, हल्का गर्म कीजिएगा दादा। कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलता है ना आप लोग का? अभी नहीं है, स्टॉक में नहीं है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलता है यहाँ। केक वगैरह है, ये देखो केक। सैंडविच मिल गया मेरा। तो चलिए मैं खाता हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। बाल तो पूरे झड़ते जा रहे हैं, सामने कुछ बचा ही नहीं है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा है कि सर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर लीजिए तो आप 24 के लगोगे। सब्सक्राइबर ने लिखा है, आप लोग जाके देख सकते हो। खैर कर लिया नाश्ता और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। भयंकर गर्मी है, भयंकर गर्मी है, यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये जो आपको एक चीज़ मैं दिखाऊँ, यहाँ पर इस मोड़ की खासियत है, पीछे ये जो बंदा देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बंदा बैठा हुआ है नीली रंग के, उसमें ऊपर नीले रंग का त्रिकोण लगा हुआ, ये बंदा चाबी, किसी भी तरह का चाबी बनाने में एक्सपर्ट है। आप लोग अगर चाबी बनाना चाहते हो, डुप्लीकेट चाबी वगैरह घर में जैसे होता है ना कि चाबी वगैरह खो जाता है, तो डुप्लीकेट चाबी अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ आकर बना सकते हो। ये विजयगढ़ मोड़ है, 10 नंबर मोड़ है, यहाँ आके बना सकते हो। थोड़ा बहुत किया पेट पूजा, और नारियल पानी वाला है, नारियल पानी वाला वहाँ जाऊँगा ना और सीधे बोल देगा 50 रुपये। एक छोटा सा, इतना छोटा सा नारियल होगा, देखना इतना छोटा सा नारियल होगा, सीधे बोलेगा 50 रुपये। अगर है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या बोलता है, क्या रेट लगाता है इस गर्मी में। यहीं बैठा हुआ था नारियल पानी वाला, ख़त्म हो गया, चला गया, कहानी ख़त्म। देखो नहीं है, ये ऑटो स्टैंड है, पल्लीश्री ऑटो स्टैंड, इस जगह का नाम है पल्लीश्री ऑटो स्टैंड, और बंदा यहीं बैठा हुआ था नारियल पानी वाला। पूरा बिक गया इस गर्मी में भाई, बिकेगा नहीं जो गर्मी पड़ी है। तो चलिए अभी मोड़ होते हुए मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। वापस घर की तरफ मैं जा रहा हूँ। सुबह से गाड़ियों का तांता लग गया, आज रविवार है ना, रविवार के दिन गाड़ियों का तांता। ये देखो, अरे भैया ठोक दोगे क्या मुझे, हाँ देखो गाड़ियों का तांता। तो ये थी मेरे सुबह से स्ट्रगल की कहानी। सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती मेरी स्ट्रगल, मतलब एक एक दिन कैसे मैं गुजारता हूँ उसकी एक छोटी सी झलक आप लोगों को मैंने दिखा दिया। शुरुआत होती है, स्ट्रगल मेरी शुरुआत होती है सुबह से, आँख खुलते ही शुरू होती है।
ये कुछ झलक आप लोगों को दिखाया, चलिए बाकी क्या दिखाऊं, दिन भर तो लड़ता रहूँगा। हाँ, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब के वहाँ पे आज दावत है उनके मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष में, वो दावत है। चलिए ठीक है, आज का दिन दोपहर का भोजन तो मिल जाएगा, बाकी आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को फ़िलहाल के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, एक और ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और हाँ, एक बात तो आप लोगों को बताना ही मैं भूल गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, भाई जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा।